हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो बेटा। ये हम लोग जो ब्रह्मा सीरीज चल रही थी, ठीक है, अब बेटा स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक। ब्रह्मा सीरीज आपकी चल रही थी तो मैं कहता जो हम लोग मैथ में हाई स्कूल में जो बेटा प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम उनको कर रहे थे। तो अब जैसे बच्चे कह रहे हैं सर और टॉपिक के डालिए क्वेश्चन, तो बेटा सब्र में बड़ी आँच होती है। देखो होता क्या है, अभी अब एक एक टॉपिक और चल रहा है, अभी मान लो मैंने यहाँ से टॉपिक हटा दिया तो इसके सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। तो हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, मतलब दिसंबर के एंड तक आपका मैथ में क्लास 10th की मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो बेटा मैं फरवरी से फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मतलब आप लोग ना इतना मैं आपको कर दूंगा ना कि आप वीडियो देखकर ही आप जाओगे तो मैथ में 100 में 100 नंबर से ऊपर, मतलब इतने नंबर कहीं कहीं नहीं गए। अब आप गलती के प्लस माइनस गलती करते तो मेरे, मतलब प्लस माइनस गलती करते तो आपकी दिक्कत होगी, मेरे बताए क्वेश्चंस में से अलग पेपर आपका नहीं बनने वाला है, ठीक बेटा। तो ये मैं जो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके पास आया हूँ इनको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो भाई देखो क्वेश्चंस, देखो ट्रिग्नोमेट्री से मोस्टली क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस पूछता है या दो नंबर पूछता है, कभी कभी इक्का दुक्का लॉन्ग में आ गए तो आ गए, लेकिन हमको तैयार रहना है। भाई देखो अगर मान लो आपको सर ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन तो ये इतने आसान पूछता है, आपने कठिन क्यों पढ़ाया? तो भाई ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है। भाई फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आपकी है, तो आपको अभी अगर पढ़ लोगे तो आपको वहाँ फायदा करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर नंबर फर्स्ट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो कह रहा 8, कह रहा इफ 8 tan A = 15, तो हमसे साइन ए, सिंपल सवाल है आपको आना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे लिया क्योंकि इस टाइप के सवाल मैं करा चुका हूँ, ये आपका नया सवाल है। भाई प्रीवियस ईयर आपके जो अनसॉल्व पेपर है उससे हम लोग सवाल यहाँ पर छाटते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ जो कंटेंट खुला बिल्कुल से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग नेट से डाउनलोड कर लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो बेटा यहाँ देखो टेन ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, आपकी ये आपका 15/8 ही हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई अगर हम इसमें क्या करें हम लोग, तो देखो टेन आपका लंब बटे आधार आपका होता है पी अपान का बी होता है, बेटा अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग अगर बना लेंगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है, इसको ए नाम दे दो, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी नाम हो जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। तो भाई देखो अगर ये वाला एंगल बेटा, इसको अगर इसको नाम सी दे दो, इसको नाम ए दे दो, जब क्योंकि एंगल यहाँ लिया गया है ना, तो एंगल ले लोगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा, ये आपका बेस, इसी को हम आधार बोलते हैं, ये आपका हाइपोटेनस यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, हमको पी और बी दे रखा है, तो P आपका 15 दे रखा है और ये आपका 8 दे रखा है, ठीक। अब देखो बेटा हमको हाइपोटेनस यहाँ चाहिए, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम की स्पेलिंग REM कर लो, मुझसे गलती हुई थी, तो अपनी गलती को मानना सबसे बड़ी बात होती है। लोग अपने अहंकार में, टीचर्स ऐसे आजकल के हो गए हैं ना, कैसे ब्रोकर वाला काम करते हैं, बच्चा पढ़े उनसे तो ठीक है वरना बच्चा खराब है, ऐसे कैसे भाई? आप बच्चे सो जैसे जिस जिस मतलब जो टीचर को लगता है ना कि मैं बहुत महान हूँ, तो किसी भी टीचर को महान उसके बच्चे बनाते हैं, ठीक। तो अगर आप टीचर हो तो आपके अंदर पहली बात काइंड, मतलब थोड़ा सा दयालुपन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं तो आप बच्चे मत बनो, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए थोड़ी सलाह थी आज, बाकी ठीक है आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। मैं तो भाई स्टूडेंट ही हूँ, जो खुद को समझते टीचर उनकी बात कर रहे हैं, ये आप कैसे हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस हमको निकालनी है तो कह जाएगा ये आपका AC² आ जाएगा, प्लस बेटा परपेंडिकुलर हमको 15 दे रखा था, 15 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस कितना 8 हमको दे रखा था, ये आपका 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, ये आपका 64 आ जाएगा। ये बेटा इनको ऐड करोगे तो 5 4 9 आपका आ जाएगा, ठीक, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। बेटा अगर स्क्वायर आपको याद हो तुरंत आपका निकल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 17 का स्क्वायर लिखा था, तो भाई देखो कैसे करोगे, AC² ऐसे रहेगा, ये भाई 17 का स्क्वायर पूरा पूरा स्क्वायर पर ऐसे लिख लो, कट हो जाएगा, तो AC कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ से AC हमको 17 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो हमसे साइन पूछा गया था, तो साइन ए कितना आपका आ जाएगा, साइन है आपका पी अपान का लंब बटे आपका कर्ण होता है, ठीक है, पी अपान कैच होता है, तो पी हमारा 15 रहेगा, कितना आ जाएगा 17 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमका
साइन ए बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो सॉल्व इतना सॉल्व करना, इसका इम्पैक्ट कॉपी पर अच्छा पड़ता है। ठीक, बाकी ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पर पहुँचते हैं और इस वाले क्वेश्चन को रफ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इस टाइप के आसान क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लेकिन बेटा अगर प्रीवियस से आए हो तो भाई मान लो कभी यही क्वेश्चन सीधे सीधे आपका एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि कॉस 0 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री आपका एक बार में लिखा गया है। कि कह रहा है साइन 90 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री ये माइनस का कॉस 45 डिग्री दिखाना है, ये 7/4 के इक्वल होता है। तो भाई देखो वहां से बेटा अगर हम आरएचएस ले लेते हैं, एलएचएस यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, जब बेटा आप एलएचएस लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा, इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ समझ के आप लोग याद कर लो भाई, कॉस 0 की वैल्यू आपकी इतनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। अब बेटा देखो सर साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साइन 45 डिग्री वैल्यू आपकी 1/√2 होती है। बेटा अगर आपकी परमिशन हो तो फैन चला लें, लाइट आ गई, गर्मी होते लग रही है ना, 2 मिनट बस। हाँ, मतलब अभी लाइट आई है, फैन चलाए यहाँ पर है, तो सॉरी इसके लिए ना, क्योंकि भाई गर्मी में तो पढ़ा नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। ये बेटा आपका इतना हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, प्लस कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगा। भाई देखो साइन 30 की वैल्यू कॉस 40 की वैल्यू सेम सेम वैल्यू यहाँ पे होती है। अब यहाँ देखो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इनको जब सॉल्व करोगे, ये आपका देखो 2 का 2 प्लस 3 आपका जाएगा, तो आपका 3/2 आ जाएगा, प्लस आपका 1/ ये 2/√2 आ जाएगा। यहाँ देखो ये आपका 3/2 आ जाएगा भाई, 2 का 2 प्लस का 1 3 आ जाएगा, ये माइनस का आपका ये 2/√2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये बेटा आपका ए प्लस बी के फॉर्म में है, ये आपका ए माइनस बी के फॉर्म में है। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह आपका 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 का ये स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई देखो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 आपका हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा देखो इधर 1 का स्क्वायर 1, ये आपका 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। भाई किसी भी संख्या पे अगर रूट रूट लगा होता है, तो संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो आपका यहाँ पर वो रूट आपका पूरा पूरा हट जाता है। अब यहाँ देखो भाई सिंपल सॉल्यूशन कर लो, ये आपका 18 जाएगा, 2 9 18 जाएगा, 4 1 9 4 बेटे कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 18 में से 4 जाएगा, 14 बचेगा, बेटे आपको कितना 8 आ जाएगा, कट करो ये 7, ये आपका 4 आ जाएगा। और देखो 7/4 आपका आंसर आ गया, यही यहाँ पे प्रूव करना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इक्वल आपका RHS, यहाँ पर ये हो जाएगा। भाई देखो ये आपका क्वेश्चन सेकंड, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अब एक कन्फ्यूजन है कि लाइट है या लाइट नहीं है, तो भाई पंखा बंद कर देते वरना वीडियो पूरा ये बंद हो जाएगा, अगर लाइट बैठ जाएगी तो पंखा बंद कर दे, 2 मिनट रुको बस। हाँ दोस्तों, वरना कहीं अगर इन्वर्टर बैठ जाएगा ना, क्योंकि भाई 6-7 कमरे हैं, सब लोग अपना अपना पंखा चलाते हैं, तो अगर मैं अपना रूम का फैन चलाऊंगा तो इन्वर्टर टू 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 बैठ जाएगा, इससे आप लोग का वीडियो पूरा खराब हो जाएगा, फिर हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोबारा क्यों ही मेहनत करो, थोड़ी देर गर्मी में ही पढ़ा लो। ठीक बेटा, ये किताब देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपका देखो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आपका हो गया है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है कि अगर आपका tan थीटा बराबर आपका ए अपान का बी दे रखा है, तो कह रहे हैं कि हमको वैल्यू बताओ कि बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा अपान में, कह रहा है बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम कहें ठीक है भाई देखो, अगर तुमको ये दे रखा है तो बेटा साइन कॉस को टेन में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर मतलब अंश को और हर को कॉस से डिवाइड कर लो। जब बेटा कॉस से डिवाइड करोगे तो बी आप कैसे लिखा जाएगा, और ये साइन थीटा अपान का ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा।
कॉस से तो दोनों डिवाइड करोगे ना, ये आपका कॉस अपान का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बी आपका ऐसे रहेगा, तो ये साइन थीटा पान क्या आ जाएगा, ये आपको कॉस थीटा आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो ए आपका ऐसे लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा पान का ये कॉस थीटा जाएगा। बेटा ये से ये कट कट जाएगा, इनका ये कट जाएगा। भाई साइन अपान का कॉस टेन होता है ठीक, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब हो जाएगा बी हो जाएगा साइन अपान कॉस, ये आपका टेन थीटा आ जाएगा, माइनस का आपका ए आ जाएगा ठीक। अब यहाँ देखो बी आपका ऐसे रहेगा, साइन अपॉन कॉस इतना जाएगा आपका टेन हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का ए आपका आ जाएगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग को। अब टेन की वैल्यू हमको बेटा ए बाई ए अपॉन का भी दे रखा है, तो हम लोग पुट कर लेंगे। चुप्पे सवाल बताओ, किसी को बताना मत, ये सवाल आप लोग को हम बता रहे हैं। ए अपॉन का बी हो जाएगा, माइनस का आपका ए रहेगा। यहाँ देखो कि बी ऐसे रहेगा इंटू टेन की जगह आपका ए अपॉन का बी हो जाएगा। बी लिखी सही, मास्टर लिखने बहुत सही, यह बात तो भैया है, आपका ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये बी से बी कट जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा, ए माइनस का ए कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस ए आपका टू ए आ जाएगा, ये आपका जीरो अपान का टू ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा। भाई जीरो आपका आंसर आ जाएगा, भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों ये अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं ठीक। जिसको वीडियो में दिक्कत होगी वो तो दोबारा वीडियो देख सकता है, क्वेश्चन में दिक्कत होगी ना, बाकी ट्रेन तो चलती रहेगी, समय चलता रहता है। चलो सर आप खुद बनाते हो वीडियो, खुद देख लेते हो, ये बात तो आई है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं, तो चार नंबर, अच्छा क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अब ये बेटा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फिर प्रूव दैट वन प्लस का कॉट एक्स प्लस का टेन एक्स, एक बेटा नंबर लिखा है, ये कह रहा है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपान, कह रहा है sec क्यूब एक्स माइनस का कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल टू, हमको इक्वल हमको दिखाना है साइन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के, हमको इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाओगे, यहाँ देखो बेटा इसका हम एलएचएस यहाँ पर ले लेंगे, तो आपका एलएचएस यहाँ क्या आ जाएगा, भाई देखो वन आपका ऐसे लिखा रहेगा, वन प्लस का भाई कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपान का साइन एक्स में लिख सकते हैं, भाई कैसे, भाई कॉट थीटा आपका साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉट आपका क्या होता है, कॉस अपान का साइन थीटा होता है, तो कॉस एक्स को हम कॉट एक्स को हम, देखो बेटा ये आपका कॉट एक्स यहाँ लिखा है, तो कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपान का साइन एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक। फिर आपका प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा ये साइन एक्स अपान का ये कॉस एक्स आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखो ये बेटा साइन एक्स अपान का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, अपान ये आपको कितना जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन में यहाँ पर चला जाएगा, ये आपका इक्वल लगा दो। अब देखो सेक सेक क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान का कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हैं, भाई यहाँ देखो कॉस सेक क्यूब एक्स को हम वन अपान का साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। कहो सर कैसे लिख सकते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है कि सेक थीटा आपका वन अपान का कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉसेक थीटा वन अपान का साइन थीटा के इक्वल होता है। भाई ये आपको इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ना, व्युत्क्रम सूत्र होते हैं। अब यहाँ देखो इधर, तो यहाँ बेटा अगर क्यूब लगा होता है यहाँ पर भी आपको क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब होगा तो क्यूब आ जाएगा, फॉर्मूला आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इधर ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अब इनका बेटा एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो कॉस का कॉस से करोगे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के हित में स्टेप बढ़ जाएगा। अब देखो ये वन आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, प्लस देखो आपका आ जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर आपका एक्स आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू आपका ये कॉस एक्स आ जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, और आपका आ जाएगा ये आपका कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखो इनका जब एलसीएम लोगे नीचे वाले का लोगे एलसीएम, कितना जाएगा ये साइन क्यूब एक्स, और माइनस का आ जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और कितना आ जाएगा इंटू आपका साइन क्यूब एक्स, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा इनका एलसीएम लोगे तो इनसे कितना करोगे आपका आ जाएगा, तो वन आपका आ जाएगा,
मार्कर चेंज करते हैं, चेंज द मार्कर। ओके ब्रो, अब इनका जब एलसीएम लोगे इतना जाएगा, आपका जाएगा या आपका जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका जाएगा। और आपको पता है बेटा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये आपकी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक, आइडेंटिटी अगर है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो प्लस का आपका यहाँ पर 1 लिखा जाएगा और पूरे के अपान में क्या जाएगा साइन एक्स इंटू आपका ये कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। हमने इनका एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम कैसे लिया फिर से देखो, सर दिख रहा छोटा तो नहीं है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, क्या पता छोटा ज़्यादा हो दिक्कत आप लोग को हो जाए, तो बोल भी नहीं पाओगे। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई इससे कर लो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो क्यों? आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है भाई, जहाँ थीटा वहाँ पर हमारा एक्स लिखा गया है, ठीक, अपान में यहाँ कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स और आपका आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ये आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस का आपका ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखो इधर इतना दिक्कत नहीं है, इनको अभी ऐसे रहने दो, साइन क्यूब एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स इंटू कितना आ जाएगा हमारा ये साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। अब देखो सब ये दो इंटू में लिखे हैं, तो ये बेटा ये साइन से इनका क्यूब होके स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस से ये इनका मतलब आपस में कट जाएंगे ना, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा भाई। साइन एक्स को साइन क्यूब से कट करोगे तो आपका यहाँ स्क्वायर बचेगा, कॉस एक्स को कॉस क्यूब से कट करोगे तो आपका यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद की कहानी देखो इधर, क्या भाई साहब, अब इधर देखो इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा तो ये पूरा पूरा यहाँ से साफ हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू आपका हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस का आपका 1 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ही आ जाएगा। अब देखो ये बेटा जो स्क्वायर बच्चा सबसे ऊपर जाएगा, तो इसके इंटू में कितना हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स भाई, क्यूब से कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा भाई, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तीन साइन थे एक कट जाएगा, दो दो साइन बचेंगे ना, यही आपका जो बेटा सबसे ऊपर चला जाएगा भाई, सबसे नीचे वाला का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करते हो, तो इतना आपको सर जी इनका मल्टीप्लाई कैसे नहीं करो भाई, तो इंटू में है ना, तो इसका मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर आपका एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई नीचे अपान में से यही खाली बचेगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म लगाओगे तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मला क्या होता है, ए माइनस बी आपका होता है, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा भाई, ये वाला फॉर्मला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो लिख लो यहाँ पर, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब भाई साइन क्यूब एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स के फॉर्मुले को यहाँ पर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खोलोगे तो फॉर्मुला क्या होता है, आपका होता है ए माइनस बी आपका होता है, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आपका ये ए भी आ जाएगा। ये बेटा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस का ये वो कॉस एक्स आ जाएगा। गर्मी से बुरा हाल, ठीक है, इट्स माय पैशन ब्रो। अभी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हाँ प्लस कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू आपका ये कॉस एक्स आ जाएगा भाई। इसकी इस पूरे की वैल्यू आपकी पूरी पूरी 1 हो जाएगी। अब जब 1 हो जाएगा तो 1 ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का 1, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 1 लिखा है, यहाँ देखो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 1 लिखा जाएगा, ठीक, वो बात की बात कर करेंगे। अब देखो अगर आप लोग परमिशन हो तो ये वाला इतना यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ हम लोग आंसर ऐसे लिख देते हैं, इतनी जगह को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, मार्कर फिर चेंज करते हैं। अब इंक डालने वाली हो गई दोस्त है, एक तो भाई इंक बहुत खत्म होती है मार्कर की यार, दिन बहुत बनाते हैं वीडियो। तो बेटा ये इधर कितना लिखा जाएगा, आपका हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का आपका 1 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा देखो, अच्छा बेटा देखो ये पार्ट इससे कट जाएगा ना, ये तो कट सकता है, तो इधर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक, अब इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी गई है, बस कितना आ जाएगा आपका
साइनेक्स इंटू आपका कॉसेक्स, आपका क्या जाएगा कॉसेक्स ये आ जाएगा। अब देखो इधर ये वाला पार्ट इससे कट कट जाएगा भाई, सेम सेम लिखा गया है ना भाई, साइनेक्स इंटू कॉसेक्स प्लस का वन लिखा है, या प्लस वन प्लस ये इतना लिखा गया, आपस में कट जाएगा। बेटा देखो यही हमको आंसर लाना था, क्या लाना था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका देखो कहाँ गया, यही हमको आंसर लाना था। थोड़ा ऐसे इस क्वेश्चन को निपटा डालेंगे, आप लोग इसको पे ट्राई करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो आपको समझ में आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मस्त तरीके से सवाल लगाते हैं। ये भाई वीडियो में दोबारा देख सकते हो ना, कि रुकेंगे तो है नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, रोक दो वीडियो। आप लोग 500 लोग जुड़ जाओ मेरे चैनल पर, 500 लोग बता रहे हैं, 500 लोग जब जुड़ जाएंगे तब लाइव क्लास कराएंगे, ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब आई एम नॉट बाहुबली, बट आप लोग 500 लोग ऐड हो जाओ तो वे 500 की जब लाइव क्लास कराओगे कम से कम 100 लोग तो आओगे ही आओगे ना, तभी लाइव क्लास होगी, बनता है बेटा, वरना बेटा लाइव ऐसे वीडियो देखते रहो। तो जो मैं बोलता हूँ करता जरूर हूँ, अगर मैंने बोल दिया लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास आपकी होगी, लेकिन शर्त क्या है, 500 लोग हो जाओ, वरना भी 155-156 में कराएंगे भाई, 4-5 लोग आओगे, बाकी तो कोई आता नहीं है। कुछ लोग तो भाई जानने वाले शौक शौक में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं कि भैया चैनल, भैया चैनल है भाई, भाई हम तो कहते हैं चैनल मेरा वो लोग देखें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, भैया भैया करके चैनल तो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद देखता वीडियो कोई नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाले 4 बच्चे हूँ, सही है, इसको हम लोग करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉट ए माइनस का 1/1 में क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का sec² ए इक्वल आपका हो जाएगा, ये कॉट ए अपान कितना हो जाएगा, 1 प्लस का tan A आपका आ जाएगा। माइक चल रहा है ना, चल रहा है, बट ऐसे हम LHS ले लेंगे, सिंपल सा सवाल है और सबको सबसे प्यार है। अब यहाँ देखो आपको कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये कॉट ए माइनस का 1, देखो कॉट ए को हम 1/10 ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 1/10 माइनस का 1 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत, ये देखो 2, अब माइनस का sec को हम कैसे स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस का tan² A, भाई सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी होती है ना, सेकेंड वाली sec² A माइनस का टेन स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 होता है, आइडेंटिटी यहाँ लगाई लगाई गई है। अब देखो इतना आपका आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम ले लो तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का tan A/ का ये टेन ही हो जाएगा। अब देखो जैसे बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो 2 माइनस का 1 आपका हो जाएगा, क्या भाई नया मार्कर निकालते हैं ब्रो, आप लोग के प्यार में नया मार्कर हाजिर है। अब यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का, देखो ये कितना आपका हो जाएगा 1, ये -का tan² A आ जाएगा, तो भाई देखो ये 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और इनका मल्टीप्लाई सीधे सीधे इससे आपका हो जाएगा, बड़ा वाला आपका फैशन ये दे रखा है, इसके कहानी इधर कहानी देखो इधर, तो देखो इधर ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan A/ कितना हो जाएगा, देखो टेन ए ये आपका बाहर रहेगा इसे, और देखो ये आपका जब 1 बचेगा तो 1 माइनस का tan² A आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस का tan A आपका हो जाएगा, अब देखो ये क्या क्या हो जाएगा भाई, इस 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, अब a² - b² फॉर्मूले में इसको हम ओपन कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस का tan A आपका आ जाएगा, ये आपका टेन ए ऐसे लिखा रहेगा, इसको एक बार प्लस में माइनस कर लो तो 1 प्लस का tan A, भाई इसको हम a² - b² वाले फॉर्मूले से ओपन कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को 1 का स्क्वायर - tan² को, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका कितना जाएगा 1 माइनस का। तो वीडियो लंबे होते हैं तो वीडियो बंद हो जाते हैं, लेकिन क्या करें बताना पड़ेगा, देखो इधर 1 माइनस का tan A ये आपका आपस में सोहा हो जाएगा। अब देखो इधर भाई 1/10 है भाई, 1/10 कॉट ले लोगे तो आपका कॉटे आ जाएगा, अपान में कितना जाएगा 1 प्लस का tan A जो बचा है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखो ये इसके अपान में टेन लिखा है भाई, अगर ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो इंटू में इसके 1 ले सकते हैं, 1/10 है भाई, फॉर्मूला क्या होता है 1/10 है कॉटे होता है ना, भाई देखो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा रखी है, ये आपको पता, अगर ये आपको नहीं आता है, जैसे मैंने कहा सर ये 1/10 का cot कैसे हो गया, तो भाई अगर ये दिक्कत है तो वाकई बेटा पहले सिलेबस वाला पढ़ो उसके बाद यहाँ पर आप आओ, तो बेटा हमको ये प्रूव करना था आपका आ गया,
अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और गर्मी से बुरा हाल, लद्दाख में बना रहे वीडियो, ठंडी ठंडी। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना तो है ही है, पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है कि ना पढ़ूं। अब सिक्स की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। भाई कह रहा फाइंड द वैल्यू, अब इसका क्या करने, भाई देखो सिंपल सा है, दोनों 9 कॉमन ले लो, ये आसान सवाल था। तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये बेटा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंटी आपकी होती है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो 9 आपका ऐसे रहेगा, इंटू आपका 1 आ जाएगा, और 9 आपका क्या आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बेटा कभी एक नंबर क्वेश्चन आया हुआ तो आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। जो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे